नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पानी पर पॉलिटिक्स। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सियासी जल संकट की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो दिल्ली पिछले कुछ दिनों से लगातार एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, आखिर वो सियासी कैसे हो गई। इसके लिए हम आपके सामने लाए हैं ये खास कार्यक्रम पानी पर पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा और दिल्ली के बीच जल समझौते की, जिसके तहत दिल्ली को पानी दिया जा रहा है, जिसे लेकर हरियाणा सरकार ने दिल्ली को चुनौती दी है। आखिर क्या है वो चुनौती और क्या है वो समझौता, इस पर हम तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। फिर हम जल संकट को लेकर छिड़े आरोप प्रत्यारोप की बात भी करेंगे, जिसे लेकर एक तरफ जहां हरियाणा ने दिल्ली को जल प्रबंधन पर ध्यान देने की नसीहत दी, वहीं अन्य दलों ने भी जल प्रबंधन को लेकर दिल्ली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद बात होगी हिमाचल प्रदेश की, उसी हिमाचल की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जमकर फटकार लगाई थी। लेकिन उस फटकार के बाद हिमाचल का रवैया कैसा है, इसका जिक्र भी होगा। इन तमाम पहलुओं के साथ बात करेंगे दिल्ली में जल संकट के कारणों की, उन्हीं कारणों की जिस कारण दिल्ली में पानी के पीने की समस्या अब उत्पन्न हो चुकी है, या फिर कहें कि विकराल हो चुकी है। आखिर क्या है उसके कारण, उन कारणों पर भी चर्चा होगी। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली में सप्लाई होने वाले पानी की, आखिर दिल्ली को पानी कहां से मिलता है और किस कारण दिल्ली की जनता को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में हम चर्चा करेंगे दिल्ली में जल संकट के उन समझौतों की जिनका अभी तक समझौता नहीं हो सका या वो किसी अन्य वजहों से अटके पड़े हैं। आखिर कौन से हैं वो समझौते, इन सभी बातों पर आपको जानकारी देंगे अगले आधे घंटे के दरमियान। तो देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम पानी पर पॉलिटिक्स। दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ जहां दिल्ली की आम आदमी पार्टी जल की कमी को लेकर हरियाणा सरकार पर हमलावर है, वहीं हरियाणा सरकार ने समझौते के तहत शेयर से अधिक पानी देने की बात कह दी है। वहीं उन्होंने इसे लेकर दिल्ली सरकार को चुनौती भी दे दी है। आखिर क्या है वो चुनौती, इस रिपोर्ट में आप देखें। झूठी बातें ज्यादा देर तक नहीं चलती। मैं तो आज भी ये कह रहा हूं कि किसी भी एजेंसी से वो वेरीफाई करवा लें, हमारा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है दिल्ली को पानी जहां से जाता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे किसी भी एजेंसी से वेरीफाई करवा लें, स्पष्ट हो जाएंगे सारे फैक्ट्स। हरियाणा के मंत्री दिल्ली सरकार पर हमलावर है। कारण है कि दिल्ली सरकार का पानी की कमी के लिए हरियाणा पर पानी ना देने के आरोप लगाना। दिल्ली जल संकट को लेकर बीजेपी ने कई बार मटका फोड़ प्रदर्शन कर सरकार की नींद तोड़ने की भी कोशिश की। लेकिन दिल्ली सरकार धरने देने में व्यस्त दिखाई दे रही है। अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए हरियाणा को दिल्ली के जल संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली सरकार के ऐसे आरोपों पर हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव ने दिल्ली सरकार को आंकड़ों के जरिए करारा जवाब दिया है। देखिए, जहाँ तक दिल्ली की पानी देने की बात है, मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ कि 719 क्यूसिक उनका शहर बनता है, उसके अगेंस्ट हम 1049 क्यूसिक पानी उनको लगातार दे रहे हैं। जहाँ तक धरने देने की और दूसरी बातें हैं, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि दो प्रदेशों के बीच में अगर कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप है, वो धरनों से ठीक नहीं होगा। हरियाणा पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, आपने ये खुद हरियाणा के मंत्री की जुबानी सुना। हरियाणा की ओर से दिल्ली को पानी दिया जा रहा है या नहीं, और कितना पानी का समझौता दिल्ली और हरियाणा के बीच हुआ, इसका खुलासा भी खुद हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव ने किया।
719 क्यूसेक दिल्ली का पानी शेयर बनता है। शेयर से अधिक हरियाणा देता है दिल्ली को पानी। 1049 क्यूसेक हरियाणा देता है दिल्ली को पानी। जितना दिल्ली के हिस्से का पानी है उससे ज्यादा हम पानी दे रहे हैं। रही बात इस पे राजनीति करने की, उसका तो कोई अंत नहीं है। वो तो राजनीति तो किसी भी सीमा तक की जा सकती है और वो हमारा कंसर्न भी नहीं है। मैं रिपीटेडली एक बात कह रहा हूँ कि ये पानी हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। हरियाणा सरकार इस पे किसी तरह का भी राजनीति रूप देना ये हरियाणा सरकार का मकसद नहीं है। देखिए, जहाँ तक दिल्ली की पानी देने की बात है, मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ कि 719 क्यूसिक उनका शेयर बनता है, उसके अगेंस्ट हम 1049 क्यूसिक पानी उनको लगातार दे रहे हैं। जहाँ तक धरने देने की और दूसरी बातें हैं, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि दो प्रदेशों के बीच में अगर कोई किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप है वो धरनों से ठीक नहीं हो सकता। वो जब भी उनके अधिकारी हमारे पास आए, हमने उनको सारा डाटा उनके सामने रख दिया। हरियाणा की ओर से दिल्ली के जल संकट पर राजनीति न करने की नसीहत दिल्ली को कई बार दी गई है। बावजूद इसके दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जल संकट पर आमरण अनशन कर रही है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली की मंत्री आतिशी को हरियाणा के मंत्री ने खुला चैलेंज दिया। और हरियाणा दिल्ली को कितना पानी दे रहा है उसकी जांच किसी भी एजेंसी से कराने की बात कही। वेरीफाई करवा लें, हमारा जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, दिल्ली को पानी जहां से जाता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट पर किसी भी एजेंसी से वेरीफाई करवा लें, सपस हो जाएंगे सारे फैक्ट्स। इसमें कोई देखिए हाथ कंगन को आरसी की क्या वाली बात हो रही है। मतलब अगर कोई चीज स्पष्ट है, जो जो मेजरेबल है, नापी जा सकती है, कहीं भी आके नाप लो उसको, उसमें क्या, इसमें डाउट की कोई बात है ही नहीं, ना कोई प्रचार की बात है। हम तो कोई बात छुपा नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि भी आपको जहां से जिस एजेंसी को दिखाना दिखा लो। मुझे नहीं लगता कि इन बातों में कोई दम है। हरियाणा की ओर से समझौते से ज्यादा पानी दिल्ली को दिए जाने का वादा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जिस कारण दिल्ली सरकार के सिस्टम पर कई बार सवाल खड़े होते हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली में चल रहे जल संकट का कब और क्या हल निकलता है। रवि चंदेल, चंडीगढ़, सूर्या समाचार। हरियाणा सरकार को चुनौती दिए हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। अब हम बात करेंगे दिल्ली जल संकट के बीच छिड़े आरोप और प्रत्यारोप की, जिसे लेकर सिर्फ हरियाणा सरकार ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों ने भी दिल्ली को नसीहत दी है। क्या है वो नसीहत और नसीहत को मानने को तैयार क्या होगी आम आदमी पार्टी की सरकार, बेहद अहम। हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते उनकी बात से, और देखिए जरूरत के हिसाब से हमेशा मदद करते हैं, और हमने हमेशा मदद की दिल्ली की, कोई ऐसा नहीं है, और हमने उस पर कोई एहसान भी नहीं जताया। इसका अपनी कमियों को दूसरों के सिर पर थोपती है, चाहिए तो उन्हें था कि वो अपना प्रबंधन ठीक करे। दिल्ली में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली के लोगों पर कोई मुसीबत आई हो। कई बार दिल्ली को दरिया होते लोगों ने देखा है, कई बार दिल्ली की सड़कों को तालाब बनते देखा है, जिन सड़कों पर बारिश के पानी के कारण लोगों को डूब कर जाते देखा है। अब उन सड़कों पर लोग भाग रहे एक दूसरे को पानी के लिए धक्का दे रहे हैं। इस बार लोगों को पानी परेशान नहीं कर रहा, बल्कि पानी की प्यास ये करने को मजबूर कर रही है। मेंशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 MGD पानी कम दे रही है। दिल्ली लगातार हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगा रहा है, तो हरियाणा दिल्ली सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर तो दिल्ली सरकार को अपने सिस्टम को ठीक करने की नसीहत तक दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह भी पानी के संकट पर मंथन से हल निकालने की सलाह दे रहे हैं। हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते उनकी बात से, और देखिए जरूरत के हिसाब से हमेशा मदद करते हैं, और हमने हमेशा मदद की दिल्ली की, कोई ऐसा नहीं है।
और हमने उस पर कोई एहसान भी नहीं जताया इसका। हमने जो शेयर दिल्ली का रहा है उससे ज्यादा शेयर हमने हमेशा दिल्ली को दिया है। लेकिन ये बात अलग है कि वहाँ इस प्रकार की एक सरकार है जो अपनी कमियों को दूसरों के सिर पर थोपती है। चाहिए तो उन्हें था कि वो अपना प्रबंधन ठीक करें। तो वहाँ की व्यवस्था का सुधार करने की जिम्मेदारी जो है वहाँ की सरकार की है, लेकिन हरियाणा सरकार ने हमेशा सहयोग किया। पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, अरे जिस रावी ब्यास के सरप्लस पानी को 40-30-35-40 साल से फैसला हो रहा है उसको तो वहाँ हम पार्टी केवल उस नहर की खुदाई नहीं होने देती और उल्टा दोष जिस दूसरों पर लगाते हैं। ये 142 करोड़ का देश है, हम सब मिलकर इन जो सकारात्मक काम उन प्रोजेक्टों को पूरा करवाएं, दिल्ली को भी पानी मिले। अगर मैं मेरी हरियाणा की बात करूँ जहाँ से मैं सांसद हूँ, यहाँ से भी ज़्यादा क्राइसिस हैं, यहाँ से भी ज़्यादा, चाहे वो महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, भिवानी है, दादरी है, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। इसलिए केवल हम ये सोचें, यहाँ तो आप 120 लीटर प्रति व्यक्ति पानी लेते हो, हमें तो वहाँ 40 लीटर प्रति लीटर मिलता है, क्या वो हमारे भाई नहीं है? इसलिए पानी को बचाओ, ये झूठी बातों के से कोई फायदा नहीं। हरियाणा सरकार ही नहीं बल्कि दूसरे दलों के नेता भी दिल्ली सरकार के सिस्टम को फेल बता रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने तो दिल्ली के पानी को बंद तक करने की बात कह दी, तो वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा के पास पानी की कमी की बात कही। कोई जल संकट नहीं है, जल संकट तो हरियाणा में है, खास करके तुम्हारे रिवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में है, भिवानी में है। हमारा जो SYL का पानी जो रोक रखा है पंजाब में, जो आप पार्टी की सरकार दिल्ली में है जो आज रो रही है पानी के लिए, जो पंजाब में इनकी सरकार है वहां से हमें पानी नहीं दे रहे। आज पता लग रहा है ना एक एक बूंद पानी की क्या कीमत होती है। हमारा तो 35 लाख एकड़ फुट पानी है, ये तो बीजेपी की सरकार है यहाँ जो इनको पानी दे रही है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होती मैं नहर बंद कर देता। समाधान तो पानी की कमी तो है, चाहे दिल्ली है चाहे हरियाणा। अब हरियाणा भी कहाँ रोक लेगा, कितना पानी रोक लेंगे, कैसे रोक लेंगे हम? हमारे यहाँ खुद बहुत ज़्यादा मुश्किल है पानी की हरियाणा में, तो फिर इस चीज़ को तो अब कैसे देखें? हमारे पास कौन सा, हमारे इतने बड़े बड़े डैम है कि हमने रोक लिया और यहाँ के लिए छोड़ नहीं रहे, हमारे यहाँ भी कमी है पानी की। दिल्ली को हरियाणा की ओर समझौते से ज्यादा पानी दिए जाने का दावा किया जा रहा है। यहाँ तक हरियाणा इस मामले पर दिल्ली को राजनीति न करने की सलाह तक दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या पानी पर चल रही सियासी बयानबाजी से जल संकट का हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपनी गलती और लापरवाही छिपाने के लिए क्या कर रही है। वहीं जो हिमाचल, जहां उनकी ही गठबंधन पार्टी यानी कांग्रेस की सरकार है, जिसे लेकर वो नरम रुख भी रखे हुए हैं, यानी हिमाचल से वो पानी तो मांग रहे हैं लेकिन कुछ नरम लहजे में। और कमाल देखिए, हिमाचल भी उन्हें पानी देने को तैयार है लेकिन पैसों की मांग की जा रही है। और निश्चित रूप से पानी हरियाणा से होकर जाएगा, हमारा पानी कोई हम रोक के थोड़ी रखे है। हम तो बोलते हैं और जितना पानी लेना, दिल्ली भी हमारी राजधानी है, इस देश के नागरिक दिल्ली में भी रहते हैं और हमारा दायित्व भी बनता ही है, ये पुल का काम भी है। तो इसमें अभी मुझे इस बारे के फैसले का पता नहीं है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को कहा है, और अगर ऐसी बात है तो हम उनको आश्वासन देते कि हमारे पानी छोड़ा, हमने कोई रोका हुआ नहीं। एक तरफ दिल्ली के लोग जल संकट से परेशान है तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से दिल्ली के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली में टैंकर के जरिए लोगों को पानी तो पहुंच रहा है लेकिन टैंकर के पानी से आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। दिल्ली के जल संकट राजनीतिक दल सियासी दांव पेच भी खूब खेले जा रहे हैं। हिमाचल और दिल्ली के बीच पानी के करार के बाद भी दोनों राज्य आपसी खींचतान में लगे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर दिल्ली को पानी देने की बात तो कह रहे हैं लेकिन उसमें कुछ अड़चने भी जरूर बता रहे हैं। हमने पानी छोड़ा हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देने की बात हमने वकीलों को कही है। जो हमने पानी छोड़ा हुआ तो उसमें हम तो देने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों लताड़ लगाई ये हमें समझ नहीं आ रहा। जब हमने पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है और निश्चित रूप से पानी हरियाणा से होकर जाएगा, हमारा पानी कोई हम रोक के थोड़ी रखे है। हम तो बोलते हैं और जितना पानी लेना, दिल्ली भी हमारी राजधानी है, इस देश के नागरिक दिल्ली में भी रहते हैं और हमारा दायित्व भी बनता ही है, ये पुल का काम भी है।
तो इसमें अभी मुझे इस बारे के फैसले का पता नहीं है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को कहा है, और अगर ऐसी बात है तो हम उनको आश्वासन देते कि हमारे पानी छोड़ा, हमने कोई रोका हुआ नहीं है। हिमाचल की मुख्यमंत्री ने दिल्ली को पानी देने की बात तो कही, लेकिन हिमाचल के रुख पर दिल्ली का तो नजरिया ही अलग है। दिल्ली की जल मंत्री हिमाचल पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करी, उन्होंने कहा वो हिमाचल से पानी देने को तैयार हैं, लेकिन वो पानी भी हरियाणा से होते हुए आना है। हरियाणा ने हिमाचल का पानी भी देने से मना कर दिया। दिल्ली में आए इतने बड़े जल संकट पर राजनीति खूब हो रही है। पानी पर सियासी उबाल चारों तरफ है। इस सियासी उबाल को शांत करने के लिए मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई और फिर हिमाचल से भी कुछ सवाल किया। आइए जानते हैं कि जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। 31 मई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 6 जून को कोर्ट ने हिमाचल को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने कहा कि ये पानी अभी तक दिल्ली तक नहीं पहुंचा। कोर्ट ने हिमाचल के अधिकारियों को लगाई फटकार। हिमाचल सरकार ने कोर्ट में लिखित में दिया कि हिमाचल से पानी छोड़ दिया गया है। हिमाचल सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि पानी छोड़ने के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, आप पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों न चलाया जाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि हमें हल्के में ना लें। 10 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। याचिका में गलतियां और खामियों को दूर न करने की फटकार लगाई गई। 12 जून को फिर से दिल्ली के जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को लेकर लगाई फटकार। दिल्ली से टैंकर माफिया को लेकर क्या एक्शन लिया गया? अगर दिल्ली सरकार एक्शन नहीं लेती है तो दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और फटकार के बाद हिमाचल ने दिल्ली को पानी देने की बात कही, लेकिन इस बार पानी देने की शर्त हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर ने दिल्ली के सामने रखी है। सुखविंदर ठाकुर ने साफ किया कि दिल्ली और हिमाचल के साथ पानी पर समझौता हुआ है। क्या वो समझौता है, सुनिए आप। कि दिल्ली सरकार को जो हम पानी देंगे वो हम अपनी संपदा है, उस पानी पर हम दिल्ली सरकार से क्यूसिक मीटर या लीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे। उस पर दिल्ली सरकार ने सहमति बना दी है। अब दिल्ली हिमाचल से जो पानी छोड़कर जाना है वो हरियाणा होकर जाना है, तो हमारा उसमें कोई ज़्यादा वो रह नहीं जाता। हम पानी देने को तैयार है, हमारे पास पानी है, हम भी हिंदुस्तान के निवासी है। भारत के जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको हमारा पानी हरियाणा को भी मिले और दिल्ली को मिले, हमारे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हमारे पास जो रिसोर्स है उसमें हमने कहा है कि जो पानी हम देंगे वो हम उनसे थोड़ा बहुत उसका मूल्य जरूर चार्ज करेंगे, ताकि हमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़े। अब हिमाचल से दिल्ली को पानी तो दिया जाएगा, लेकिन वो फ्री में नहीं होगा। बात पानी की है, दिल्ली के लोगों की है, पानी से परेशान हो रही आम जनता की है। कब तक दिल्ली में लोगों को पानी की ऐसी समस्या का सामना करना होगा? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या पानी के संकट को लेकर सरकार कोई प्लान तैयार कर रही है? क्या दिल्ली में जल संकट के बीच मुनाफा कमा रहे टैंकर माफिया पर कार्रवाई हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली को पानी के जल संकट से कैसे बाहर निकाला जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। आपने दिल्ली और हिमाचल का भाईचारा तो देख ही लिया, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम मुद्दा है वो है आखिर दिल्ली में जल संकट के क्या कारण है। जो बारिश के मौसम में डूब जाती है लेकिन गर्मियां आते ही अपनी प्यास नहीं बुझा पाती है, इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार पानी को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना बोर्ड को एक बैठक करके दिल्ली के जल संकट को सुलझाने का सुझाव दिया है। लेकिन सबसे पहले जो सवाल सामने आता है वो है आखिर दिल्ली में जल संकट की वजह क्या है। ग्राउंड वाटर का अत्यधिक निकास, वाटर बॉडीज का पॉल्यूशन, प्रवासी आबादी में लगातार वृद्धि, क्लाइमेट चेंज के प्रतिकूल प्रभाव, वाटर मैनेजमेंट की कमी, इंटरस्टेट जल विवाद। दिल्ली में रोजाना लगभग 3.7 से 3.8 अरब लीटर पानी का उत्पादन होता है, लेकिन गर्मियों में दिल्ली को प्रतिदिन लगभग
5 अरब लीटर पानी की जरूरत होती है। और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पानी का उत्पादन पिछले एक सप्ताह में कम हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो 6 जून को दिल्ली में 3.8 अरब लीटर पानी का उत्पादन हुआ, 7 जून को दिल्ली में 3.7 अरब लीटर पानी का उत्पादन हुआ, 9 जून को पानी के उत्पादन में और कमी आई, 12 जून को 3.6 अरब लीटर पानी का उत्पादन हुआ, यानी दिल्ली को जरूरत के मुकाबले पानी कम मिल रहा है। दिल्ली अपनी पेयजल मांग के 90% पानी के लिए पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। ज्यादातर पानी यमुना, रावी व्यास और गंगा नदियों से आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो दिल्ली को उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर के जरिए गंगा से रोजाना 470 क्यूसेक पानी मिलता है। यमुना और रावी व्यास नदियों से शहर को 1049 क्यूसेक पानी की आपूर्ति की जाती है। दिल्ली जल बोर्ड भी यमुना से सीधे पानी लेता है। दिल्ली की जल आपूर्ति यमुना, ऊपरी गंगा नहर, भाखड़ा स्टोरेज और ग्राउंड वाटर से होती है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से दिल्ली में लगातार पानी के उत्पादन में कमी आ रही है, जिसे लेकर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे पानी के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए। अगर सरकार की तरफ से बारिश के जल का भी संचयन करने का साधन होता तो शायद दिल्ली को पानी की कमी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दिल्ली में जल संकट के क्या कारण है। अब हम बात करेंगे दिल्ली के पानी की, यानी पानी के लिए दिल्ली किन राज्यों पर निर्भर है। वैसे ही हर राज्य पानी के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है, लेकिन क्या दिल्ली पानी के लिए पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पर ही निर्भर है? अगर नहीं तो और कौन से ऐसे राज्य या स्रोत है जहां से दिल्ली अपनी प्यास बुझाता है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पानी को तरस रही है। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दिल्ली को पानी की सप्लाई करने में केवल हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया है। हालांकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब भी दिल्ली को पानी की सप्लाई करते हैं। 5 राज्य मिलकर दिल्ली में 90% पीने के पानी की सप्लाई करते हैं। यहाँ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब का पानी पहुँचता है। पंजाब से भाखड़ा नांगल बांध के जरिए यहाँ पानी पहुँचता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गंगा नदी और उत्तराखंड में टिहरी डैम के जरिए दिल्ली को पानी मिलता है। हरियाणा की तरफ से यमुना के जरिए पानी पहुँचता है। राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर के जरिए रोजाना 470 क्यूसेक पानी मिलता है। वहीं यमुना और रावी ब्यास नदियों से शहर को 1049 क्यूसेक पानी की आपूर्ति होती है। दिल्ली जल बोर्ड भी यमुना से पानी लेता है। दिल्ली की पानी की सप्लाई यमुना, ऊपरी गंगा नहर, भाखड़ा स्टोरेज और जमीनी पानी से होती है। राजधानी अपनी जरूरत का 41% पानी यमुना, 27% पानी ऊपरी गंगा नहर, 24% पानी भाखड़ा स्टोरेज और 9% ट्यूबवेल से करती है। काबिले गौर है कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की नदियां या तो सूख चुकी हैं या फिर उनका पानी पीने लायक नहीं बचा है। जल प्रदूषण अपने चरम पर पहुंचने के कारण पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए राजधानी को पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होना पड़ रहा है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। और चलिए आखिर में हम बात कर लेते हैं पानी की पूरी कहानी की, जिसे लेकर कई समझौते भी हुए, जिसमें से कई तो पूरे हुए लेकिन कुछ अधूरे भी रह गए। इनका कारण क्या है और इन कारणों का जिम्मेदार कौन है? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, लेकिन ऐसा रंग जिसने सियासी रूप ले लिया। ऐसी तो तेरी कहानी भी ना थी, लेकिन ये कहानी है दिल्ली की, जहां इन दिनों पानी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसने पूरे देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा
और हिमाचल में भी उथल पुथल मचा कर रख दिया है, क्योंकि सभी राज्य पानी के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, जिनमें से एक दिल्ली भी है। आइए अब जानते हैं कि आखिर दिल्ली को पानी कहां से मिलता है। यमुना नदी से हरियाणा की ओर से मिलता है पानी, गंगा नदी से उत्तर प्रदेश की ओर से पानी मिलता है जो हरियाणा होकर आता है, भाखरा नांगल से पंजाब की ओर से पानी की सप्लाई होती है जो हरियाणा होकर आता है, उत्तराखंड में टिहरी डैम के जरिए दिल्ली को पानी मिलता है जो हरियाणा होकर आता है। अगर हम साल 2023 की बात करें तो 2023 में दिल्ली को कितना पानी कहां से मिला था, आइए ये भी जानते हैं। यमुना से लगभग 38.9 करोड़ गैलन पानी की आपूर्ति, गंगा नदी से लगभग 25.3 करोड़ गैलन पानी की आपूर्ति, भाखरा नांगल से लगभग 22.1 करोड़ गैलन पानी की आपूर्ति। साफ तौर पर कहें तो 2023 में दिल्ली को कुल 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था, जबकि 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 96.9 करोड़ गैलन पर आ गया है। लेकिन दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली भयंकर जल संकट का सामना कर रहा है, जिसका एक कारण सतलुज यमुना लिंक नहर यानी कि SYL विवाद भी माना जा रहा है, जो आज भी पंजाब के कारण अटका हुआ है। सतलुज यमुना लिंक नहर समझौता के तहत हरियाणा ने 1980 तक अपने क्षेत्र में नहर को लेकर परियोजना पूरी कर ली थी, लेकिन पंजाब की ओर से इस योजना पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया और उसने इस योजना का विरोध किया। पंजाब ने किया सतलुज यमुना लिंक नहर समझौता का विरोध। कई सालों से जल की आपूर्ति पर स्थिति खराब, 2029 में कई क्षेत्रों में सूखा पड़ने के आसार, कभी नदी जल का अधिनिर्णय या फिर वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं हुआ, 79% क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन है, नहर का पानी केवल पंजाब का है, पंजाब की एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी। वही हरियाणा ने सतलुज यमुना लिंक नहर समझौता के जरिए रावी ब्यास के पानी पर दावा किया। SYL विवाद पर आइए हरियाणा का पक्ष भी अब जानते हैं। SYL नहर के जरिए रावी ब्यास के पानी का दावा, इसके बिना सिंचाई जरूरतों को पूरा करना मुश्किल। दक्षिण हिस्से में भूमिगत जल का स्तर 1700 फीट तक कम, कई क्षेत्रों में पीने के पानी का संकट, हरियाणा को पानी के उचित हिस्से से वंचित किया जा रहा है। सतलुज यमुना लिंक नहर समझौता पर दोनों राज्यों के बीच विवाद होने के बाद केंद्र ने पहल करते हुए 1982 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी SYL प्रोजेक्ट की आधारशिला, 1982 विपक्ष की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने किया योजना का विरोध, 1985 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया समझौता, 1985 अकाली दल के प्रमुख हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ समझौता, 1996 हरियाणा ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, 15 जनवरी 2002 सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को एक साल में SYL बनाने का निर्देश दिया, 4 जून 2004 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब की याचिका खारिज हुई, 2004 पंजाब ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 बनाकर तमाम जल समझौते रद्द कर दिया। संघीय ढांचे की अवधारणा पर चोट पहुंचाने का डर देखकर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांगा। 20 अक्टूबर 2015 मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का अनुरोध किया। 26 जनवरी 2016 इस अनुरोध पर गठित 5 जजों की पीठ ने पहली सुनवाई की, सभी पक्षों को बुलाया। 8 मार्च 2016 को दूसरी सुनवाई हुई। 2017 में SYL पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा पंजाब सरकार के खिलाफ दर्ज। 2020 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को मध्यस्थता का निर्देश दिया। जनवरी 2023 केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुलाई बैठक, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मनोहर लाल के साथ बैठक, बेनतीजा रही बैठक। 1994 में दिल्ली समेत 5 राज्यों का पानी बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश करीब 260 क्यूसेक पानी भाखड़ा चैनल से हरियाणा के जरिए दिल्ली को दे रहा है। इसके बाद साल 2019 में हिमाचल सरकार और दिल्ली सरकार के बीच पानी को लेकर एक और समझौता हुआ, जिसके तहत हिमाचल दिल्ली को हरियाणा के जरिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देना था। दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो 1996 में दिल्ली और हरियाणा के बीच जल समझौता हुआ, जिसमें मुनक नहर के जरिए दिल्ली को पानी देने पर सहमति बनी। हरियाणा और दिल्ली के बीच हुए समझौते के मुताबिक हरियाणा को मुनक नहर के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी के लिए प्रतिदिन 1050 क्यूसेक पानी छोड़ना है। 1996 में दिल्ली और हरियाणा के बीच मुनक नहर समझौता, 2003 में मुनक नहर को बनाने का काम शुरू हुआ था, 2012 में बनकर तैयार हुआ था मुनक नहर।
गौरतलब है कि दिल्ली से पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी है, लेकिन हर बार उसका आरोप झूठा ही साबित हुआ। 2018 में अपर रिवर यमुना बोर्ड ने जांच की थी। अपर यमुना रिवर बोर्ड ने पानी बंटवारे को लेकर दिया था आदेश। बवाना में 924 क्यूसेक पानी देने का आदेश, मुनकाहेड़ से 1049 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश। 2021 में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। हरियाणा सरकार पर लगाया था पानी कम देने का आरोप। एससी के आदेश पर जल शक्ति मंत्रालय ने जांच की। जांच में दिल्ली का आरोप गलत साबित हुआ। 23 मई से 12 जून 2024 तक जांच में हरियाणा दे रहा अधिक पानी। अपर रिवर यमुना के निर्देशक ने जांच की थी। 18 जून 2024 को केंद्रीय जल आयोग और अपर यमुना रिवर बोर्ड ने की थी जांच। 978 क्यूसेक पानी दिया जा रहा था, 924 की जगह 1011 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग। हिमाचल की ओर से हरियाणा को कोई पानी नहीं मिलता है। दिल्ली में जल संकट पर सियासत के बीच हथिनीकुंड बैराज को लेकर भी कई आरोप लगाए गए, लेकिन जब सूर्या समाचार ने इसकी जांच की तो पाया गया कि हथिनीकुंड बैराज पानी रोकने का काम नहीं करता है। यमुना नदी हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर धरातल पर उतरती है। जिस तरह से लगातार चर्चाओं में हथनीकुंड बैराज बना हुआ है कि हथनीकुंड बैराज पर पानी रोक लिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिंचाई विभाग का लगातार कहना है कि बैराज जो है पानी को रोकने जैसा कोई काम नहीं करता, बल्कि ये डाइवर्ट करने का काम करता है। जून महीने में 3000 क्यूसिक के आसपास जो है लगातार पानी यमुना नदी में यहाँ पर बह रहा है। जैसे जैसे हिमाचल के ऊपरी इलाकों में और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बरसात होगी, वैसे वैसे यहाँ पर जो है लगातार पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ना ही हमारे पास कोई यहाँ पे डैम है, बैराज है, और बैराज का बेसिकली एक ही फंक्शन होता है कि भी पानी को डाइवर्ट करना, और पानी जो भी है हमारे पास जितना भी अवेलेबल है उसको हम डाइवर्ट करते हैं यूपी की तरफ, जो ईजेसी के थ्रू जाता है, और जो हरियाणा और दिल्ली का जो शेयर है वो डब्ल्यूजेसी के। ये तो हो गई जल संकट और जल की कहानी, लेकिन क्या इस कहानी का समाधान है अनशन आरोप या मंथन, जिसका जवाब दिल्ली की सरकार को देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उम्मीद है कि अब आप ये भली भांति समझ गए होंगे कि दिल्ली में जल संकट की असल यानी कि वास्तविक वजह क्या है, जिसे लेकर दिल्ली की सरकार कभी धरने कर रही है तो कभी पानी के लिए अपील कर रही है, लेकिन पानी की समस्या पर हल खोज पाने में कामयाबी हासिल नहीं हो रही। हालांकि हरियाणा सरकार इस बात को पुरजोर तरीके से कह रही है कि जितना पानी देने का समझौता दिल्ली के साथ किया गया है उससे ज्यादा ही पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए विशेष कार्यक्रम पानी पर पॉलिटिक्स में हमारा और आपका साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।